हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मुंह में होने वाले छाले या माउथ अल्सर की समस्या के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसे यूज़ करके आप 1 से 2 दिनों के अंदर ही अपने माउथ अल्सर की प्रॉब्लम से, मुँह में होने वाले छाले की समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है आपके मुँह में छाले की समस्या, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुँह में छाले की समस्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा एक आम समस्या है और लगभग हर किसी व्यक्ति को कभी ना कभी मुँह में छाले की समस्या होती है। और किसी किसी को ये समस्या बहुत रिपीटेड होती है, यानी बार बार मुंह में छाले की समस्या होती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं वो अपने इस प्रॉब्लम से, क्योंकि मुंह में जो ये छाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। कुछ भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और कई कई बार क्या होता है कि जो छाले होते हैं उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। आपके जो माउथ में होने वाला छाला है वो आपके माउथ में कहीं भी हो सकता है, जैसे आपके जो चिक्स होते हैं, आपके गाल होते हैं, उसके अंदर हो सकता है, आपके होठों के इनर सरफेस में, होठों के अंदरूनी हिस्से में हो सकता है, या टंग में हो सकता है, यानी आपके पूरे माउथ में कहीं भी हो सकता है। जनरली ये या तो फिर रेड कलर के होते हैं या तो फिर वाइट कलर के होते हैं। जो मुँह में होने वाले छाले रहते हैं उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका पेट खराब है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या आपको बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो छाले की समस्या होना बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड खाते हैं, यानी मसालेदार खाना खाते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो भी आपको मुँह में छाले की समस्या हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो गलती से हमारे टिथ से हमारे टंग में या तो फिर हमारे चिक के इनर सरफेस में बाइट हो जाता है, कट जाता है, जिस वजह से भी छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को किसी फूड से एलर्जी है और वो बार बार उसी फूड का सेवन करते हैं तो भी उसको माउथ अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनको ड्यूरिंग मेंसेस हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिस वजह से उनको अल्सर की, माउथ अल्सर की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, तो भी मुँह में छाले की समस्या बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। देन अब बात करते हैं माउथ अल्सर की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मुंह में छाले होने की या माउथ अल्सर की सिर्फ 2 होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी। ये दोनों ही मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके माउथ अल्सर की प्रॉब्लम में। इवन इसको यूज़ करके आप 2 दिनों में ही आपके जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है, मुँह में छाले की प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है। और ये मेडिसिन बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है मेडिसिन, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस मेडिसिन की और काफ़ी अच्छे इस मेडिसिन के रिजल्ट हैं। तो पहली आपकी मेडिसिन है मगसॉल। मगसॉल मेडिसिन मुंह में होने वाले छाले की एक्सीलेंट मेडिसिन है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है मगसॉल के। मगसॉल में पूरे माउथ में आपके रेड कलर के छोटे छोटे छाले हो जाते हैं, पूरा माउथ आपका छालों से भर जाता है रेड कलर के, पूरा रेडिश हो जाता है आपका जो माउथ होता है। साथ ही छालों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ भी खाने पीने में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। और मगसॉल का एक और सिम्टम्स होता है, इसमें जो माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और माउथ से ऑफेंसिव से स्मेल आती है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो मगसॉल जो है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मगसॉल को 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे में आपको रिपीट करना है, जैसे हर 2-2 घंटे में 2 ड्रॉप इसकी टंग में आपको लेना है इसको, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कम से कम 2 दिन तक लीजिए आप इसको, 2 दिन में ही आपकी जो प्रॉब्लम है लगभग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और अगर 8 से 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो उनको डोज आप हाफ कर सकते हैं, जैसे 2 बूंद की जगह आप 1-1 बूंद उसको हर 2-2 घंटे में आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं, जैसे 4-5 साल के बच्चे हैं और वो मेडिसिन जैसे डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो उनको 1-1 बूंद, एक छोटा सा जो स्पून होता है उसमें लगभग 4 से 5 ml आप पानी ले लीजिए, उसमें आप उसकी 1 ड्रॉप ऐड करके हर 2-2 घंटे में दीजिए इसको। तो ये बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर किसी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। देन सेकेंड मेडिसिन है आपकी बोरेक्स 30। बोरेक्स 30 मेडिसिन भी बहुत ही, बोरेक्स 30 भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके माउथ अल्सर में। आपके अगर मुँह में छाले हो जाते हैं
बशर्ते आपके जो मुंह में छाले जो होते हैं वो रेड की जगह व्हाइट कलर के हों, हल्का सा वो रेडिस के बाद में जो व्हाइटिस फॉर्मेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन जैसा हो जाता है, वैसा उस छाले में हो गया है। पूरा माउथ काफ़ी ज़्यादा आपका ड्राई ड्राई है और उस छाले में आपको गर्माहट सी महसूस हो रही है, जैसे पेट खराब हो जाने की वजह से पूरे माउथ में आपके गरम गरम सा फील होता है, वैसे ही आपके गर्माहट से आपके माउथ में फील हो रहा है। बेसिकली ये जो इस प्रकार के छाले होते हैं वो जब आपका पेट खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आपके पेट में कोई गड़बड़ी है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तब आपको इस प्रकार के छाले होते हैं। पूरा माउथ आपका ड्राई ड्राई सा फील होगा। तो आप बोरेक्स इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करती है, इसको भी हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, हर दो दो घंटे में दो दो ड्रॉप डायरेक्टली टंग में, और बच्चों में एक एक ड्रॉप हर दो दो घंटे में। तो ये दोनों ही मेडिसिन आपकी माउथ अल्सर की बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं ये दोनों ही मेडिसिन के। बट आपको दोनों मेडिसिन को ही साथ में यूज़ नहीं करना है। अगर आपके माउथ के जो छाले हैं वो रेड हैं, पूरा आपका माउथ जो है वो छाले से भर गया है रेड कलर के, जैसे आपके फर्स्ट स्टेज में होता है रेडिस होते हैं आपके छाले, तो उसमें मर्क सॉल्ट आपको यूज़ करना है हर दो दो घंटे में। और अगर आपके जो छाले हैं उनका कलर जो है वो वाइट है, आपका जो पूरा माउथ है वो ड्राई लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हीट सी फील हो रही है अपने माउथ में, यानी बहुत ज़्यादा गर्माहट फील हो रही है, वाइट कलर के हैं आपके छाले, तो आपको बोरेक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी में हर दो दो घंटे में यूज़ करना है। तो ये दोनों ही मेडिसिन आपके माउथ अल्सर की बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। मैंने जितने पेशेंट में ये मेडिसिन यूज़ की है, बोरेक्स और मर्क सॉल्ट, सभी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। विद इन 2 डेज के अंदर ही उनके जो माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है, मुंह में छाले की प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से ठीक हो गई है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।